हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने है स्कॉर्पियो एन का Z4 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। आज इस वीडियो में करेंगे ओवरऑल रिव्यू इस गाड़ी का, देखेंगे कि आपको इस गाड़ी में कितने फीचर मिलते हैं और कितनी ये गाड़ी वैल्यू रखती है। सबसे पहले बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर, क्या बात है। अगर मैं दिखाऊँ आपको गाड़ी की चाबी, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाती है। जो की है ये आपको फ्लिप की के साथ मिलती है, बाकी यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के बटन के साथ फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है। ये देखिए, लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है, और ये वाला जो बटन है ये है फॉलो मी हेडलैम्प का। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में। तो इसका जो प्राइस है वो है 16,70,000 रुपये एक्स शोरूम, ठीक है। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस की, तो इसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है 19,30,000 रुपये। 16,70,000 रुपये में ऐसी गाड़ी, इतने फीचर बेसिकली आपको गाड़ी में मिलते हैं। डेफिनेटली आप ब्रेजा के रेट में इस गाड़ी को बाय कर सकते हो, लेकिन इस वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग आपको मिलेगी मिलेगी, क्योंकि भाई इस गाड़ी की इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतने सारे फीचर है बेसिकली इस गाड़ी में कि भाई आप गिनते गिनते रह जाओगे। सबसे पहले आप चेक करो ओवरऑल इंटीरियर, तो इंटीरियर यहाँ पे आपको गजब का मिलता है। काफ़ी बड़ा यहाँ पे डैशबोर्ड मिलता है, वहीं जो डैशबोर्ड है ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलता है। लगता है ऐसा कि यहाँ पे सॉफ्ट टच है, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक है। वहीं बात कर लेते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग के बारे में, तो यहाँ पे डी कट स्टीयरिंग मिल जाती है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। वहीं Z4 वेरिएंट में ही आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी देखने को मिलेंगे, तो कुछ ऐसी स्टीयरिंग मिलेगी। वहीं स्टीयरिंग के ऊपर आपको सिल्वर सैटिन फिनिश मिल जाती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें, तो जो स्टीयरिंग है ये आपको टिल्ट, और तो ये स्टीयरिंग आपको टिल्ट फंक्शन के साथ ही मिलेगी, टेलीस्कोपिक फंक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। बात करें ओवरऑल गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो बहुत ही प्यारा गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। हालांकि एनालॉग में 220 की स्पीड है, वहीं 7000 RPM यहाँ पे मिलता है। बीच में आपको छोटी सी MID मिल जाती है, जिसमें आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली चेक कर सकते हो इस बटन के हेल्प से। फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज, ट्रिप पे ट्रिप भी, ये देखिए क्या सही चीज़ है यार। Z4 मॉडल है, वहीं यार इस प्राइस रेंज में सेकंड बेस मॉडल में आपको ढेर सारे फीचर मिल जाते हैं यार, और क्या ही चाहिए। बाकी ये आपको स्ट्रोक्स मिलते हैं, जो स्ट्रोक्स है ये आपको मैनुअली मिलते हैं। बात करें गाड़ी के सेंट्रल कंसोल के बारे में, तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। हालांकि पूरा यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन सामने आपको 7 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि नॉर्मल फंक्शन के साथ ही आता है। एक सेकेंड, सिंपल है, बट इसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर भी देखने को मिल जाता है। हालांकि जो इसका टच रेस्पॉन्स है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सही है यार, लेकिन फिर भी ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, 2 आपको आगे मिलते हैं, 2 आपको पीछे वाले डोर पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको कुछ बटन मिलेंगे जो कि इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड है। बात करें एसी के बारे में, तो यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, एसी की कूलिंग काफ़ी बढ़िया है। वहीं आपको नीचे काफ़ी सारे बटन मिल जाते हैं, जैसे ये जो बटन है ये है आइडल स्टार्ट स्टॉप का, ये है पार्किंग का। वहीं यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। वहीं यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिलते हैं, जैसे जिप, जैप और जूम, यहाँ पे आपको 3 मोड मिल जाते हैं। वहीं मेन फंक्शन है यहाँ पे इस लीवर का, ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर मिल जाता है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअल, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे गियर मिलता है। गियर नोब के ऊपर बेसिकली आपको लेदर फिनिश मिलती है, जो कि काफ़ी सही है और काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। बात करें गाड़ी के ग्लोव बॉक्स के बारे में, तो बहुत ही छोटा है यार, जितनी बड़ी गाड़ी है उतना ही छोटा जो है आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है। इसके अंदर कुछ चेंज इनको जो है करने चाहिए, काफ़ी हल्का सा फील हो रहा है। वहीं बात करें IRVM के बारे में, तो ये IRVM मैनुअल है, और इस साइड में आपको सिंपल ही मिलता है। को पैसेंजर साइड में बेसिकली आपको ये भी आपको सिंपल ही मिलता है। वहीं इसके ऊपर आपको मिल जाता है सनग्लास होल्डर, मेरा फेवरेट प्लेस, पीछे आपको मिलता है लैंप। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल इंटीरियर की, काफ़ी सही इंटीरियर है, इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया फीचर आपको मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलेगा, और ये है आर्मरेस्ट, इसके नीचे आपको स्टोरेज मिलता है, और जो ये आर्मरेस्ट है ये भी आपको प्लास्टिक के साथ मिलता है, कोई भी सॉफ्ट टच आपको कहीं पे नहीं मिलता। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल इंटीरियर की। अब चलते हैं बाहर। गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको अंदर बाहर जाने के लिए इस ग्रैब हैंडल का यूज़ लेना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि आपको Z4 वेरिएंट में ही फुट रेस्ट देखने को मिल जाता है। डोर ओपनिंग की बात करें, तो वाइड ओपन होता है, एंटी एग्जिट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये देखिए, प्रॉपर वाइड ओपन होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी एंट्री एग्जिट करने में। वहीं बात करें डोर ट्रिम के बारे में, तो जो पूरा डोर ट्रिम है ये आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ मिलता है। हालांकि जो इंटीरियर है ये पूरा आपको ड्यूल टोन में मिलता है, ब्लैक और
कॉफी कलर का यूज जो है यहाँ पे किया गया है। अगर बात करें डोर ट्रिम के बारे में तो यहाँ पे ऑल फोर पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, ओवरव्यू एडजस्टमेंट का बटन है, वहीं नीचे आपको बोतल होल्डर मिलता है और स्पीकर है। और जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, गाड़ी की हाइट काफी ज्यादा है, इसलिए आपको गाड़ी में एंट्री एग्जिट करने के लिए जो है फुट रेस्ट का यूज लेना पड़ेगा और यहाँ से आपको ग्रैब हैंडल को पकड़ना पड़ेगा। बात करें गाड़ी की सीट के बारे में तो यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, लेकिन जो सीट का टेक्सचर है ये बहुत ही ज्यादा प्यारा मिलता है। आगे पीछे सभी सीट पे जो है आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा, वहीं सीट पे आपको हाइट एडजस्टमेंट, अच्छी बात ये कि आपको इन सीट पे हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाएगा, वहीं आपको यहाँ पे लंबर सपोर्ट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। क्या बात है, इस प्राइस रेंज में यार इतने सारे फीचर आपको ये गाड़ी दे रही है, और क्या ही चाहिए। महिंद्रा ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है स्कॉर्पियन के अंदर। वहीं बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल एयरबैग मिलेंगे, दोनों ही आपको सामने मिल जाते हैं। गाड़ी ऑटोमेटिक है इसलिए आपको ए बी पेडल मिलेगा, बाकी उस तरफ जो है आपको डैड पेडल मिल जाता है। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल इंटीरियर की, काफ़ी सही इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलता है। इसको करते हैं बंद और अब दिखाता हूँ आपको गाड़ी का साइड लुक। तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है साइड से, ये देखिए साइड से भाई गाड़ी गजब ही लगती है। गाड़ी का रोड प्रेजेंस भाई देखते ही बनता है। अगर इसके साइड में फॉर्च्यूनर खड़ी है ना तो भाई ये गाड़ी फॉर्च्यूनर को भी बीट कर देती है, ऐसा लुक निकलता है इस गाड़ी का। बात करें गाड़ी की लेंथ के बारे में तो ऑलमोस्ट 4662 mm की लेंथ मिल जाती है, वहीं 2750 mm का गाड़ी में व्हील बेस मिलता है। और बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 187 mm का गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ये देखिए साइड से भाई गाड़ी काफी मस्कुलर सी फील होती है, वहीं आपको कोई भी क्रोम का यूज यहाँ पे नहीं मिलता। जो सामने वेरिएंट आप देख रहे हैं, ये वाला जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो यहाँ पे जो विंडो लाइन के ऊपर जो है काफी बढ़िया यूज मिल जाता है क्रोम का, लेकिन यहाँ पे जो विंडो लाइन है ये आपको सिंपली मिलती है। वहीं बात करें डोर हैंडल के बारे में तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल बॉडी कलर मिल जाते हैं, और ये है ओवरवीएम, ये भी आपको बॉडी कलर मिलेगा। इसके ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि एलईडी लाइट के साथ मिलता है। रूफ के ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है, और कुछ ऐसा लुक निकल के आता है गाड़ी के रियर से। जो इस गाड़ी का टेल लैम्प है ये मुझे ज्यादा सही नहीं लगता, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, काफी बढ़िया लग रहे हैं। वहीं यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है, और ये है इसकी रिवर्स लाइट। पीछे स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है, वहीं रियर में डिफोगर रियर वाइपर भी कंपनी ऑफर करती है। रूफ के ऊपर आपको स्पॉइलर मिल जाता है, इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, वहीं पीछे आपको 4 points मिलेंगे पार्किंग सेंसर के, एंड ये है इसकी रिवर्स लाइट, और ये इसका रिफ्लेक्टर। तो कुछ ऐसा लुक निकल के आता है, पीछे आपको लोगो मिल जाता है न्यू महिंद्रा का। ठीक है, अगर बात करें बूट स्पेस के बारे में तो मैं खड़ा हूँ स्टॉक यार्ड में, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो भाई 7-seater कार है तो यहाँ पे ना के बराबर बेसिकली बूट स्पेस मिलता है। कोई भी 7-seater गाड़ी आप उठा लो, बूट स्पेस से आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 7-seater गाड़ी होने के बाद जो है बूट स्पेस यहाँ पे आपको नहीं मिलता, बट हाँ जो ये सीट है अगर आप इन सीट को फोल्ड कर लोगे तो यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सही निकल के आ जाएगा। ये है ओवरऑल गाड़ी का टायर सेक्शन, ये देखिए कितने बड़े टायर है यार। तो यहाँ पे आपको 17 inch के टायर मिल जाते हैं, 245/65R17। आगे डिस्क ब्रेक है, वहीं रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। व्हील के ऊपर व्हील आर्चेज मिल जाती है, वहीं साइड में आपको बेसिकली मोल्डिंग मिलता है। तो ऐसा कुछ लुक आपको गाड़ी के साइड से मिलता है। और अब दिखाता हूँ गाड़ी का फ्रंट लुक, ये देखिए इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस देखते ही बनता है। बात कर लेते हैं गाड़ी की विड्थ के बारे में, तो यहाँ पे 1917 mm की बेसिकली विड्थ मिलती है। जो गाड़ी की विड्थ है भाई ये बनाती है रोड प्रेजेंस, गजब का ही रोड प्रेजेंस निकलता है। वहीं बात करें गाड़ी की ग्रिल के बारे में तो कुछ ऐसी ग्रिल यहाँ पे मिल जाती है, सामने आपको सिल्वर साटन फिनिश मिल जाती है, आगे आपको न्यू महिंद्रा का लोगो मिलेगा। वहीं बात करें हेडलैम्प्स के बारे में तो यहाँ पे ड्यूल बैरल मिल जाते हैं, लेकिन जो हेडलैम्प है ये आपको हैलोजन फंक्शन के साथ मिलने वाली है। कोई भी DRL आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ना ही कोई भी फोग लैम्प आपको यहाँ पे मिलता है। जो सामने वेरियंट आप देख रहे हैं ये है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट, ये देखिए तो कुछ आगे से ऐसा डिफरेंस मिलता है सेकेंड बेस मॉडल में और टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में। सारा खेल है प्राइस का, 16,70,000 रुपये एक्सोरूम प्राइस में यार आपको इतने सारे फीचर बेसिकली इस गाड़ी में मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में, सेकंड रो भी दिखा देते हैं आपको। तो ये है स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट की सेकंड रो। डोर ओपनिंग एज यूजुअल वाइड है, एंटी एग्जिट करने में दिक्कत आपको नहीं आने वाली। डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, वहीं डोर के ऊपर आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है, स्पीकर है, बोतल होल्डर है, वहीं यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। सीट की बात कर लेते हैं तो एज यूजुअल पीछे भी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और अच्छी बात यह है एंटी एग्जिट करने के लिए फुट रेस्ट दिया गया है। ये देखिए क्या बात है। सीटिंग कंफर्ट की बात करें काफी बढ़िया सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे मिल जाता है। अच्छी बात यह है आप इन सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हो, है ना,
बैठने में आपको काफ़ी बढ़िया सा फील होगा। अंडर थाई सपोर्ट एक नंबर है इन सीट का, आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। वहीं जो सीट की कुशनिंग है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलती है। पीछे आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है रियर पैसेंजर के लिए, वहीं आप यहां से इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। वहीं यहां पे आपको टाइप ए बोर्ड मिलता है बीच में हम पे, लेकिन भाई सीट इतनी ज़्यादा चौड़ी है आराम से जो है तीन बंदे बैठ सकते हैं, है ना। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिलेंगे। सीट का जो कम्फर्ट है ना बेसिकली, ये काफ़ी बढ़िया मिल जाता है गाड़ी में, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी गाड़ी। यार जो पैसे आप इस गाड़ी को लेने में लगाओगे ना भाई, उस पैसे की यहाँ पे वर्थ पूरी पूरी आपको मिलने वाली है, क्योंकि यार ऐसे फीचर ऐसा कंफर्ट बेसिकली आपको इस सेगमेंट की किसी दूसरी कार में नहीं मिलता। अब आपको लेके चलता हूँ गाड़ी की थर्ड रो में, तो स्पेस यार तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जो ये सीट है, ये सीट हो जाती है फोल्ड, हो जाए भाई, और फोल्ड होने के बाद स्पेस ना होने की वजह से मैं आपको गाड़ी की थर्ड रो नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको दिखा पाऊंगा। पीछे भी आपको टू सीट मिल जाती है, वहीं पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। अच्छी बात यह है पीछे वाली सीट पे आपको एसी वेंट नहीं मिलते, आपको बीच वाली सीट पे ही एसी वेंट मिलेंगे, लेकिन पीछे वाली सीट पे जो है आपको एसी वेंट नहीं मिलने वाले। अच्छी बात यह है कि आपको पीछे वाली सीट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं और बड़ी बड़ी विंडो मिलेगी, जिससे जो बंदा अंदर बैठा है उसको एयरी फील होगा, है ना। तो ये हो गया ओवरऑल लुक अंदर का बाहर का। 16,70,000 रुपये में आपको ऐसी गाड़ी, ऐसे फीचर यार जो कि गाड़ी को टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बनाती है। ये देखिए, ये है गाड़ी का टॉप मॉडल, ये है गाड़ी का बेस मॉडल, है ना। आप देख ही सकते हो रियर से तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा टॉप है कौन सा बेस है, बट हाँ टॉप मॉडल में आपको रियर में रियर कैमरा मिल जाता है, बाकी और भी कोई चेंज आपको पीछे नहीं मिलता। तो ये सारे फीचर आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। फाइनली बात करें गाड़ी के इंजन के बारे में, तो इसके अंदर 2.2 लीटर का एमहॉक सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि 172 bhp निकालता है, वहीं 370 nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं बात करें माइलेज की, तो डेफिनेटली जो माइलेज है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जो इंजन है ये भी काफ़ी हैवी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी माइलेज आपको बेसिकली यहाँ पे मिल जाती है। तो इस प्राइस रेंज में ऐसी गाड़ी, ऐसे फीचर शायद ही सेगमेंट की कोई दूसरी कार में आपको मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।